नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। बिहार में जल्द होगा सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन। बिहार में पुआल जलाने वाले किसानों के नाम ब्लॉक कार्यालय पर लगाए जाएंगे। आज है अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस। विश्व कप 2023 सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर रोहित शर्मा के कोच ने बताई अपनी इच्छा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पुआल जलाने वाले किसानों के नाम ब्लॉक कार्यालय पर लगाए जाएंगे। राज्य में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से पुआल जलाने वाले किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन भी लोगों के द्वारा पुआल जलाने का काम किया जाएगा उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को यह भी सख्त चेतावनी दी गई है कि पुआल जलाने पर सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और सब्सिडी किसानों को नहीं दिया जाएगा। जिन किसानों पर पहले पुआल जलाने का मुकदमा चलाया गया था उनके नाम ब्लॉक कार्यालय में लगाए जाएंगे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ल के द्वारा कहा गया कि किसानों को पुआल जलाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से राज्य की सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं कक्षा के टीचर इंजीनियर भी बन सकेंगे। इसके लिए उनके पास बीटेक की डिग्री होनी अनिवार्य है, जिसमें गणित और विज्ञान विषय की पढ़ाई अनिवार्य होगी और इसके साथ ही बीएड की डिग्री भी जरूरी होगी। बता दें कि इसके अलावा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री वालों को भी छठी कक्षा से आठवीं तक के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए भी बीएड डिग्री अनिवार्य होगी। इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर आए आवेदनों पर विचार कर कक्षा 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अर्हता जारी की है और विभाग के द्वारा नई अधिसूचना में यह साफ कर दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा बीएड बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमसीए और 3 वर्ष के एकीकृत बीएड एमएड इस नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में जारी किए गए अधिसूचना को लेकर कई अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन दिए गए थे, जिसको देखते हुए यह नई अधिसूचना जारी की गई है। आज है अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस। हर साल 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऐसे में इस साल इस दिवस का थीम एक्सेस टू डायबिटीज केयर है। बता दें कि इस थीम के जरिए डायबिटीज के सभी मरीजों को समान चिकित्सा सुविधा मिल सके और इस बीमारी के बारे में सही जानकारी मिल सके, इस बात पर जोर दिया गया है। मालूम हो कि साल 1991 से अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड डायबिटीज ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में 10 में से एक इंसान डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, जिनमें से 90% से अधिक को टाइप 2 डायबिटीज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मधुमेह होने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण शरीर में इंसुलिन का बनना बंद होना है और दूसरा कारण शरीर में इंसुलिन का प्रभाव कम होना है। यह रोग अंतिम पड़ाव तक बना रहता है। ऐसे में इसके खतरों से बचे रहने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत होती है। डायबिटीज से बचाव में हेल्दी खाना और एक्टिव लाइफस्टाइल मददगार होता है, इसलिए लोगों को अपने रहन सहन और खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मालूम हो कि बिहार के शहरी आबादी में लगभग 18% और ग्रामीण आबादी में 5% डायबिटीज से पीड़ित है। इसमें पुरुषों की संख्या लगभग 7% है और महिलाओं की संख्या 5.45% है। बिहार में खत्म हुई लो वोल्टेज की समस्या। राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार लाया जा सके और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, इसको लेकर बिजली कंपनी के द्वारा राज्य के करीब 1.5 दर्जन जिलों को जोड़ने वाले ट्रांसमिशन लाइनों को बदल दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले चरण में ऐसे करीब 2 दर्जन ट्रांसमिशन लाइन को बदले गए हैं, जिस पर लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। ऐसे में इससे संबंधित जिलों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधरेगी और साथ ही लो वोल्टेज की भी समस्या खत्म होगी। मालूम हो कि दूसरे चरण में कंपनी के द्वारा अन्य जिलों के पुराने ट्रांसमिशन लाइनों को बदले जाएंगे। इस बारे में कंपनी अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 220 केवी के 3 और 132 केवी के 19 ट्रांसमिशन लाइन के हाई टेंशन तारों को टाई टेम्परेचर लो सैग से बदला गया है। राजधानी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, एक यात्री घायल। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में कुछ और सामाजिक तत्वों के द्वारा डिब्रूगढ़ से आ रही ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, जिससे कि एक यात्री घायल हो गया। हालांकि फिलहाल इस मामले को लेकर आरपीएफ की टीम के द्वारा 4 लोगों को हिरासत में दिया गया है और फिलहाल इसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पत्थरबाजी से जो यात्री घायल हुआ है उस यात्री का नाम संतोष छेत्री बताया गया है। संतोष छेत्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वह ट्रेन की बर्थ संख्या 66 पर सफर कर रहा था, जहां मेडिकल टीम
वहीं पहुंचकर उनका इलाज करने का काम की है। वहीं इस घटना को लेकर फिलहाल रेलवे के अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। बिहार के 16 जिलों में शिक्षकों की हुई पोस्टिंग। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा रैंडमाइजेशन के आधार पर राज्य के 16 जिलों में शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है, जिसमें सबसे पहले वैशाली, शेखपुरा, कैमूर, शिवहर, कटिहार और किशनगंज जिले में नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जा रहा है वह प्रधानाध्यापकों की मौजूदगी में योगदान पत्र देने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 नवंबर से पहले सभी जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन करते हुए उन सभी से योगदान कर लिया जाएगा। मालूम हो कि रैंडमाइजेशन से शिक्षकों को विद्यालय आवंटन एवं योगदान करने की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं इसके अलावा प्रोग्रामर के साथ तैनात किए गए उपनिदेशक स्तर के 4 अधिकारियों में प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक संजय कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक अब्दुस सलाम अंसारी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक नीरज कुमार एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक अमर भूषण शामिल है। मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 665 अभ्यर्थी हुए पास। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार मध्य निषेध परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि यह परीक्षा 689 सीटों पर ली गई थी, जिसमें से 665 अभ्यर्थी पास हुए। पास हुए इन 665 अभ्यर्थियों में से 269 महिलाएं और 395 पुरुष और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। मालूम हो कि परीक्षा में 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ऐसे में जो लोग इस परीक्षा में शामिल हुए थे वह CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि 14 मई को मध्य निषेध सिपाही के 689 पदों पर वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा 14 मई की परीक्षा के दौरान 207 अभ्यर्थियों को कदाचार को लेकर अयोग्य घोषित किया गया था। वहीं 13,276 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका को गलत अपूर्ण सूचना अंकित करने के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 255,887 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया था। बिहार में जल्द होगा सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन। बहुत जल्द ही बिहार में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होने वाला है। बता दें कि इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रमोशन देने के लिए 5 वर्षों का कार्य मूल्यांकन मांगा गया है, जबकि खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा खान निरीक्षकों की वरीयता सूची प्रकाशित करते हुए इस पर आपत्ति मांगी गई है। मालूम हो कि सीमित अवधि को देखते हुए विभाग के द्वारा जल्द से जल्द सेवकों का डाटा जुटाने का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्नातक उत्तम परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं का विवरण जिलों से मांगा गया है। इसके लिए स्वास्थ्य के विशेष कार्य पदाधिकारी आनंद प्रकाश के द्वारा सभी सिविल सर्जनों के साथ ही अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र दिए गए हैं। इसी प्रकार स्नातकधारी प्रखंड प्रचार शिक्षकों को 5 वर्षों का मूल्यांकन भी जिलों से मांगा गया है। तो वहीं दूसरी ओर खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा वरीयता सूची प्रकाशित करते हुए 5 दिनों के भीतर आपत्ति मांगी गई है। दरभंगा में 3 फ्लाईओवर का सीएम और डिप्टी सीएम करेंगे शिलान्यास। बहुत जल्दी दरभंगा में रहने वाले लोगों को जाम से निजात मिलने वाला है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता उदय शंकर यादव के द्वारा परिसदन में प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर में 3 फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस 3 फ्लाईओवर का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा इसी महीने की जाएगी। यह 3 फ्लाईओवर पंडासराय, गोमटी, चट्टी चौक और दिल्ली मोड़ पर निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने केंद्र सरकार से दरभंगा एम्स तथा फ्लाईओवर की मांग की थी, लेकिन केंद्र की सरकार से हम लोगों की मांग को अनसुना कर दिया गया। लेकिन हम लोगों की मांगों पर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा संज्ञान लिया गया है। छठ पूजा के लिए चकाचक हो रहे पटना के घाट। छठ पूजा के लिए पटना में गंगा घाट को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा। बीते दिन महापौर सीता साहू और उप महापौर रश्मि चंद्रवंशी के द्वारा गंगा घाटों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी घाटों पर समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी घाटों की बैरिकेडिंग के बाद जलस्तर को एक बार फिर से नाप लिया जाएगा। बैरिकेडिंग मजबूत होनी चाहिए। चेंजिंग रूम हर घाट तक बेहतर स्थिति में रखा जाए। घाटों की सफाई बेहतर तरीके से कराई जाए। उन्होंने कहा कि घाटों की बैरिकेडिंग होगी तथा उसके ऊपर जाली भी लगाई जाएगी। सभी घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। यात्री सेट को भी बेहतर व्यवस्था की गई है। मार्गों, घाटों एवं रिवर फ्रंट पर CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। बड़े घाटों पर ड्रोन से गतिविधियों पर नजर रखा जाएगा। सभी घाटों पर वॉच टावर एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक घाट पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल तैनात रहेंगे। इसके अलावा SDRF एवं NDRF के साथ साथ रिवर पेट्रोलिंग भी सक्रिय रहेगी। घाटों पर सुरक्षा भी चौक चौबंद होगी।
पटना में आज हुए दो बड़े राजनीतिक इवेंट। आज यानी कि मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना में दो बड़े राजनीतिक इवेंट आयोजित किए गए, जिसमें से पहले इवेंट यादव सम्मेलन बीजेपी के द्वारा बापू सभागार में आयोजित किया गया, जिसके जरिए भाजपा राजद के वोट बैंक में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। वहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर दिए गए बयान को लेकर अम्बेडकर स्मारक पर हम पार्टी की ओर से आज मौन प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी संगठनों के साथ जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। वहीं यादव सम्मेलन में कई हजार यादव समुदाय के लोग बापू सभागार में बीजेपी ज्वाइन किए, जो कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। आनंद मोहन ने कहा, किसी का नाम नहीं लूंगा। सोमवार की शाम आनंद मोहन अपने सहयोगी मित्र के साथ आगामी 19 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले महाराणा प्रताप के शौर्य सम्मान समारोह को लेकर ग्रामवासी को आमंत्रण देने के लिए बिहार में गौरी चक थाना क्षेत्र के तारनपुर ग्राम स्थित पुनपुन नदी किनारे शिव मंदिर प्रांगण पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा आनंद मोहन के साथ अन्य लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर इस दौरान आनंद मोहन के द्वारा कहा गया कि इसलिए नहीं निकले हैं वो लोग कि उनकी रैली करना है, उनका तो आनंद मोहन के बहाने हमारे समाज को कमजोर करना है, इसलिए सब लोग निकल गए। जब मैं निकला हूँ, मेरी रैली जैसे ही डिक्लेयर हुई, अब देखिए रैलियों की भरमार हो गई। उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, दो तीन लोग रैली में निकले हैं। अमित कात्याल की गिरफ्तारी पर सुशील मोदी का बयान। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन रजिस्ट्री करने के मामले में ईडी के द्वारा पिछले दिनों अमित कात्याल की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके द्वारा अपनी पूरी कंपनी राबड़ी देवी और तेजस्वी के नाम कर दी गई थी। वहीं अब इसको लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर उनका सिकंजा कसता जा रहा है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से समझौता कर अपने उपमुख्यमंत्री को कब तक बचा पाएंगे? यह वही अमित कात्याल है जिन्होंने राबड़ी देवी की सरकार के समय बीटा में शराब की फैक्ट्री लगाई थी और बदले में अपनी कंपनी एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के सारे शेयर मात्र 1,00,000 रुपए में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को बेच दिए थे। उन्होंने कहा कि जब सत्ता के दुरुपयोग और आर्थिक भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामले में जब केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, तब नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से बिंदुवार जवाब मांगना चाहिए। विश्व कप 2023 सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर रोहित शर्मा के कोच ने बताई अपनी इच्छा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम की 15 नवंबर को विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के साथ भिड़ंत होने वाली है। इसी बीच रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड के द्वारा न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए अपना एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है और हमारे चांस मैच जीतने की काफी ज्यादा है। हमारे पास शानदार फॉर्म में बल्लेबाज है जो शानदार खेलते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की पारी टीम को मजबूती देने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित के बल्ले से एक सेंचुरी निकले, लेकिन मैं ज्यादा खुश रहूंगा अगर वह अच्छी शुरुआत करे और देश के लिए खेले। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 108.12 रुपए और डीजल 94.86 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल कीमत 94.70 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.96 रुपए और डीजल कीमत 95.63 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.37 रुपए और डीजल कीमत 95.07 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की 108.22 रुपए और डीजल कीमत 94.95 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.26 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, दरभंगा में कितने फ्लाईओवर का निर्माण होने वाला है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। अगला सवाल, नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन करते हुए उन सभी से योगदान कब तक ले लिया जाएगा? ऑप्शन ए 15 नवंबर, ऑप्शन बी 18 नवंबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर, ऑप्शन डी 20 नवंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 नवंबर। अगला सवाल, मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में कितने अभ्यर्थी पास हुए? ऑप्शन ए 689, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 207, ऑप्शन डी 665। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 665। अगला सवाल, विश्व कप 2023 सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच कब खेला जाना है? ऑप्शन ए 15 नवंबर, ऑप्शन बी 16 नवंबर, ऑप्शन सी 17 नवंबर, ऑप्शन डी 18 नवंबर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 नवंबर। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस कब से मनाए जाने की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए साल 1991, ऑप्शन बी साल 1992, ऑप्शन सी साल 1985, ऑप्शन डी साल 1986। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साल 1991। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, धनंजय कुमार, मोहम्मद फहीम, नंद कुमार सिंह, वेद प्रकाश सिंह, विनिता कुमारी, अशोक राज, जाकिर खान, बिट्टू कुमार, कामेश्वर कुमार, नंद कुमार सिंह, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, ज्ञान्ति कुमारी, योगेंद्र महतो। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सरकारी अस्पतालों की स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आया है या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।